और चलिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की बात करते हैं, जहां पर थाना पिपलोद पुलिस ने डकैती के एक मामले में एक माहवार सफलता हासिल कर ली है। डकैतों ने घर में घुसकर महिला और उसके भाई बच्चों से मारपीट कर ज्वेलरी नकदी समेत दो मोबाइल लेकर फरार हो गए थे। एक मोबाइल आईफोन भी शामिल था। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं सात डकैत अभी भी फरार है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सीमा अलावा ने बताया है कि 13 नवंबर को फरियादी प्रेमलाबाई ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 12 नवंबर की रात तकरीबन 3 से 4 व्यक्ति घर में घुस गए थे। इसके साथ ही घर के सदस्यों को डरा धमका कर 13,000 रुपये नकदी, मंगलसूत्र, मोबाइल लेकर फरार हो चुके थे। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लूटे गए दो मोबाइल और नकदी भी बरामद कर ली है। 12/11/2022 को ये रात को 2:30 बजे के आसपास ये उर्मिला जी हैं, जो कि बनखेड़ा में रहती हैं, ये अपने बहन और अपने भाइयों के साथ घर पे थी, उनके बच्चे भी कुछ थे। तभी इनके घर में कुछ लोग रात को दरवाज़ा तोड़ के रॉड से उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के रोए थे, उनके घर में इंटरप्ट किए। इनके साथ मारपीट करने के बाद में इनका एक मंगलसूत्र, आपके है ना 14,000 रुपये और दो मोबाइल, ये लूट के ले गए थे। पुलिस ने 458 और 394 की पुलिस ने कायमी की थी।